छत्र में भूख ले ली हुई। मैं श्रीमान अंकित वैश आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। ये एक खास मौका है जब हमारे बीच अतिथि के रूप में लेखक व पत्रकार अनंत अत्यंत विजय जी उपस्थित हैं। हम उनका मंच पर स्वागत करते हैं। मसूरी की इन सुंदर वादियों में एक भव्य साहित्य कार्यक्रम का आयोजन प्रभा कैतान फाउंडेशन और मसूरी एहसास वुमेन की ओर से होटल हिल क्वीन मसूरी में किया जा रहा है। हम सभी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा सके इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साहित्यिक योगदान के लिए प्रभा कैतान फाउंडेशन आज अपनी पहचान बना चुका है। आप सभी को ज्ञात है कि प्रभा कैतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली सक्रिय संस्था है। ये देश और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और साहित्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां भारत सहित दुनिया भर में 55 से भी अधिक शहरों तक अपनी पंख फैला चुके हैं। आगे उड़ने के लिए उड़ान जारी है। फाउंडेशन कलम के अलावा किताब लव्स, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आकर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। जहां तक कलम की बात है तो ये मंच अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। कलम में हम सम्मानित और चर्चित लेखकों और कलाकारों के विशेष रूप से आमंत्रित प्रशंसकों और पाठकों को जोड़ने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मसूरी एहसास वुमेन की ओर से आयोजन इस कलम के सत्र में हमारे अतिथि श्री अनंत विजय जी करीब 2.5 दशकों से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं। राजनीति, साहित्य और सिनेमा पर अपना लेखन देश भर में पसंद किया जाता है। आपने भागलपुर विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एमएनसी और बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया है। अब तक आपकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें प्रशांत गवास, कोलाहल कहल, विधाओं का विन्यास, अमेठी संग्राम, बॉलीवुड सेल्फी, लोकतंत्र की कसौटी और मार्क्सवाद का अर्थ सत्य काफी चर्चित है। आपकी नई पुस्तक ओवर द टॉप ओटीटी का मायाजाल है। वर्तमान में आप दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं के तौर पर कार्यरत हैं। आप सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल से सम्मानित हो चुके हैं। जाहिर है आपके कार्य और उपलब्धियों की सूची बहुत बड़ी है जिसे बताकर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अनंत विजय जी से आगे का संवाद के लिए मैं मसूरी एहसास वुमेन व संवाददाता ईशा गुप्ता वैश को आमंत्रित करता हूँ। वे आगे आए और मंच देखने के लिए तो आगे बढ़े। सिंसियर रिक्वेस्ट टू स्विच ऑफ और इधर पुट योर मोबाइल ऑन फ्लाइट मोड इफ पॉसिबल। सभी प्रिय मसूरी के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको मेरा स्नेह भरा नमस्कार, शुभ संध्या। Today it's an honor to share stage with such a renowned personality like Anant Vijay. जो अनंत विजय जी का हमारा ये कार्यक्रम है, ये हमने पहले जुलाई में शेड्यूल किया था, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमारा ये हो नहीं पाया था। फाइनली आज हमें मौका मिला अनंत जी रूबरू होने का। तो अनंत जी की अंकित ने परिचय दिया अनंत जी का, तो जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। तो इन्होंने
जो इनका फील्ड है जर्नलिज्म एंड लेखन, उसमें इन्होंने अनंत विजय प्राप्त करी है, अपना झंडा बहुत मजबूत गाड़ा है। तो शुरू करते हैं अनंत जी। मेरा आज का पहला सवाल आपकी पर्सनल लाइफ जर्नी, आपने अपनी एक किताब में, इन दिनों मैं पहले बता दूं कि क्योंकि मुझे आज कॉन्वर्सेशन करना था तो मैंने आनंद जी की बहुत किताबें पढ़ी, बहुत आर्टिकल्स ऑनलाइन पढ़े, तो मुझे बहुत मौका मिला इनको बहुत अच्छे से और जानने का। तो आपने अपनी किताब में लिखा है कि जब आप भागलपुर में कॉलेज में थे, उस टाइम आप गले में सफ़ेद मफलर डालकर मूवीज देखने जाते थे बैक टू बैक। पढ़ाई तो हमें पता ही आपने करी है, उसके बाद दो डिग्रीज और भी करी है। तो जो ये पत्रकारिता का सफर है आपका, क्या आपने कभी ये जो आपकी वेशभूषा थी बिल्कुल पत्रकार वाली थी, कॉलेज स्टूडेंट्स या तो गुंडागर्दी वाले करते हैं या शायद पत्रकार लोग ऐसे करते हैं, तो क्या आपने तभी से हसीन ख्वाब देख लिया था कि आप इतने बड़े पत्रकार बनेंगे, लेखक बनेंगे और आज एडिटर भी हैं? सबसे पहले सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और प्रभा केतान फाउंडेशन का भी आभार कि मुझे इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और मसूरी के इतने महत्वपूर्ण लोगों के सामने बैठ के अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय से आपका और प्रभा केतान फाउंडेशन का आभार प्रकट करता हूँ। ये सफेद मफलर वाली कहानी पता नहीं कहाँ से आपने निकाल ली, मुझे नहीं मालूम। ये ऐसा होता था, मैं जब पीएनबी कॉलेज का छात्र था तो हम हॉस्टल में रहते थे और सात लड़के हम लोग एक साथ रहते थे और ये फिल्म लवर्स का ग्रुप था, तो हम लोगों के बीच शर्त लगा करती थी कि एग्जाम से, क्योंकि 11:30 बजे नून शो शुरू हो जाता था तो वहां से शुरू करते थे और हम लोग नाइट शो तक देखते थे बैक टू बैक फिल्में। तो शर्त ये लगा करती थी कौन एग्जाम से पहले निकल सकता है, तो हम लोग वो देखते थे कि कितने क्वेश्चन का आंसर करते रहे थे, क्योंकि टर्म एग्जाम होते थे पास ही करना होता था सिर्फ, तो चलो दो तीन अगर लिख दिए तो निकल जाएगा। तो प्रयास ये होता था कि 10 बजे एग्जाम शुरू हो, 10:30 बजे तक 3 क्वेश्चन हम लोग कर देते, और फिर सातों की साइकिल लगी होती थी बाहर। और अब उस समय अनिल कपूर की फिल्म आई थी वो 7 दिन, और हम लोग थोड़े उसके प्रभाव में थे। फिर किसी ने उसमें से कहा कि हम लोग मफलर लगाया करें, सबकी साइकिल भी एक जैसी थी हम लोगों की, तो वो हॉस्टल का एक कसम था कि एक जैसे दिखे, सब एक जैसे चले, सब एक साथ रहें, एक जैसा खाना खाए, तो उसमें ही था। पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं था, बस वो टशन वाली बात थी कि थोड़े मतलब कॉलेज में एक पहचान बने कि ये एक अलग ही गैंग है, हाँ गैंग है ये, मतलब इनका पढ़ने लिखने से थोड़ा कम वास्ता है, ये बाहर ही रहते हैं कॉलेज से ज्यादा। आई थिंक कॉलेज में सभी का कोई एक ब्रांड कोड होता है, सभी का रहा है। तो उस टाइम आप फिल्में देखते थे, आपने लिखा है, और किताबें भी जाहिर बात है एज स्टूडेंट्स पढ़ते ही थे, तो क्या, लेकिन आज आप लेखक हैं इतने फेमस, तो क्या ये लेखक एक पाठक भी हैं? बहुत जबरदस्त, मैं जितना लिखता हूँ उससे कम से कम 80 गुना अधिक पढ़ता हूँ, और अभी मोबाइल ने मेरे पढ़ने लिखने को थोड़ा बाधित कर दिया है, दिन भर वो हाथ से ऐसे चलता रहता है स्क्रोलिंग मोबाइल की, कभी ट्विटर पे, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे, तो इसने बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि इससे थोड़ा मुक्ति मिले। लेकिन पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक, और मुझे लगता है कि पढ़ने का एक कोटा फिक्स है, जैसे चीनी खाने का एक कोटा फिक्स है हर आदमी के लाइफ में कि आप हमेशा 1 क्विंटल खा सकते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, अगर आपने शुरुआत में खा लिए तो आप डायबिटिक हो जाएंगे, बाद में नहीं खाएंगे। वैसे ही पढ़ाई का एक कोटा फिक्स कर रखा गया है,
हर व्यक्ति के लिए कि आप या तो बचपन में पढ़ लीजिए या पूरी जिंदगी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो हम दूसरी श्रेणी में आते हैं बचपन में और कॉलेज में, और वहाँ कम पढ़ाई की तो अब हमें उस कोटे को पूरा करना पड़ रहा है जो हमारा कोटा फिक्स है। शायद तो मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ कि हमारा यहाँ एक बुक क्लब है मसूरी में, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम मिलकर काम करते हैं थ्रू माई एनजीओ, तो उसमें भी बहुत रीडर्स हम लोग सब ज्वाइन है उसमें। तो मुझे कई बार लगता है कि बाकी सब लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम भी किससे कहानियाँ शेयर करते हैं, तो मैंने शायद कभी नहीं पढ़ी है इंग्लिश ब्लाइटन या जो उस टाइम पे सीक्रेट सेवन एंड ऑल, बट अब मुझे रीडिंग का इतना कीड़ा है, लाइक सिंस मैं कॉलेज डे वन से इतना कीड़ा है कि आई कैन नॉट गो विदाउट अ बुक एनीवेयर। कोटा पूरा कर रही है, अब मेरा कोटा पूरा हो गया है। तो रंजी, जैसे देखा गया है कि हम बात करते हैं, पहले हॉबीज होती है सब लोगों की, तो रीडिंग एक बहुत अच्छी हॉबी है जो कि हम प्रमोट भी कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे रीडर्स बने बहुत अच्छे। तो हॉबीज, किसी की फिल्में देखना हॉबी है, किसी का रीडिंग हॉबी है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है, कुछ कुकिंग होता है, कुछ कुछ है। लेकिन आज जो है, आपने भी मेंशन भी करा कि एवेन्यूज बहुत लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, फर्सी मोबाइल फोन है, इंटरनेट का जो एकदम इतना ब्लास्ट हुआ है, तो इसमें हमारी मूवीज हैं जो पहले हम इंतजार करते थे कि कभी कोई मूवी आएगी हम उसको जाकर देखेंगे, अब तो इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वी हैव मॉडर्न चॉइसेस। तो ऐसे में जो रीडरशिप है का फ्यूचर क्या है, और स्पेशली हिंदी रीडरशिप का, क्योंकि हम हिंदी में ज़्यादा लेखन करते हैं, तो आप का क्या देखते हैं, क्योंकि हिंदी जो रीडरशिप है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब कम लोग हैं शायद जो हिंदी की किताबें पढ़ रहे हैं, या ऐसा नहीं है, क्या फ्यूचर है आगे देश और दुनिया? मुझे लगता है हिंदी के पाठक अभी हैं, हम दरअसल अपने आसपास की दुनिया से आकलन कर लेते हैं कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, और ये एक सहज मानवीय गुण भी है कि हम अपने आसपास जो चल रहा होता है उसी के आधार पर तय करते हैं। लेकिन आप 40-50 करोड़ लोग हिंदी पढ़ सकते हैं इस देश में, और आप विडंबना देखिए कि दैनिक जागरण सबसे बड़ा अखबार होने के बावजूद 40 लाख छपता है, तो अभी तो 1% भी नहीं छप रहे आप, या 10% छप रहे हैं, गणित थोड़ा कमजोर है मेरा, तो इतने अभी तो बहुत एवेन्यू बाकी है आपके पास। और आप देखिए कि हर जगह हिंदी के प्रकाशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, हिंदी में सेल्फ पब्लिशिंग बढ़ रहा है, हिंदी में अब जो .com की दुनिया है उस पे भी अगर हिंदी की सामग्री को हिट्स मिल रहे हैं और वो मोनेटाइज हो रहा है, तो इसका मतलब हिंदी के पाठकों के भूगोल का ही विस्तार हो रहा है। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ, सिर्फ पुस्तकों की बिक्री को न देखा जाए, हिंदी आज एक तरीके से पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार की नजर हिंदी पे है। आप आज से 10 वर्ष पहले कल्पना कर सकती थी कि भारत का प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में खड़े होके प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी के बगल में खड़े होके हिंदी में बात कर रहा है, और वो लोग ट्रांसलेशन कम की मशीन लगा के समझ भी रहे हैं और प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो ये हिंदी के भूगोल का विस्तार है, और वो वैश्विक क्षितिज पर इसका विस्तार हो रहा है। इसलिए अगर कोई कहता है कि पाठक संख्या हिंदी में कम हो रहा है, तो मुझे थोड़ा पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं कि आप थोड़ा दुनिया देखिए, आप OTT प्लेटफॉर्म पे देखिए कितनी हिट्स उनको मिल रही है, कितने डाउनलोड हिंदी में हो रहे हैं, ये सब तो अभी शोध का विषय है। ठीक है, शायद कहीं ना कहीं ये पढ़ने में भी आता है कि जो हिंदी है एज अ फॉरेन लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल, आज 45 देशों में हिंदी प्रोफेसर्स हिंदी पढ़ा रहे हैं, और ICCR के माध्यम से उन देशों में चेयर प्रोफेसर्स की नियुक्ति होती है, और जो हमारी हिंदी फिल्में वो किस प्रकार से हिंदी को बढ़ावा दे रही हैं। अभी सिंगापुर यूनिवर्सिटी में मेरी एक मित्र है जो तमिल और हिंदी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये बड़ी बहुत ही अजब संयोग है कि वो तमिल और हिंदी दोनों की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, संध्या सिंह नाम है उनका। उन्होंने बताया कि जब वो कलर्स के बारे में पढ़ाती हैं, रंगों के बारे में हिंदी में पढ़ाती हैं,
तो वो चेन्नई एक्सप्रेस का वो गाना दिखाती है जिसमें दीपिका पादुकोण आती है और उसके हर दृश्य में उसके सिफोन की साड़ी चेंज होती है कलर उसका, तो उस कलर से, या अगर हिंदी में उनको गिनती बतानी होती है वहां के छात्रों को, तो वो एक दो तीन चार तेजाब का गाना सुनाती है, उसकी क्लिप काट के सुनाती है, तो छात्रों को एक रुचि भी होती है और गिनती भी आ जाती है उनको, कलर्स के बारे में पता भी चल जाता है क्योंकि वो एक बड़ी सेलिब्रिटी के साथ हुआ है। तो इस प्रकार से हिंदी कहां कहां से बढ़ रही है, किस कोने अंतरे से निकल रही है, ये हमें अभी मालूम नहीं है, लेकिन हिंदी एक वैश्विक लैंग्वेज की तरह, एक वैश्विक भाषा की तरह, और चूंकि हमारा बाजार इतना बड़ा है, यहाँ हिंदी के बिना काम नहीं चलेगा। जिनको मैंडरिन भी आती है वो भी हिंदी सीख रहे हैं दिनों, क्योंकि उनको भारत में अपना व्यवसाय करना है और इस बात को भारत समझ चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी भविष्य की भाषा है और 2050 तक, मैं 2047 विकसित भारत में नहीं कर पा रहा हूँ, 2050 तक, और हम लोगों ने ये अनुमान 2006-07 में ही लगाया था और एक रिसर्च पेपर तैयार किया था कि 2050 में हिंदी जो है वैश्विक भाषा बन जाएगी, और मुझे लगता है कि उस दिशा में हिंदी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल आनंद जी, जिस हिसाब से हम 150 करोड़ पार कर चुके हैं, तो आगे दुनिया तो हमारी यही है, तो हिंदी इंडिस्पेंसेबल बन जाएगी। तो अगला सवाल आपकी पत्रकारिता से जुड़ा है। हर एक प्रोफेशन के कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें एथिक्स ज़्यादा डिमांड किए जाते हैं, जैसे जज हो गया, पत्रकार हो गया, तो उसमें कि जो जो भी वो एक पत्रकार है, जो तथ्य है वो प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, कि वो अनबायस्ड हो। एक जज है तो वो भी अपनी अनबायस्ड अपना वर्डिक्ट दे, तो लेकिन अल्टीमेटली सब समझते हैं कि चाहे वो पत्रकार है या जज है, आखिर है तो सामाजिक प्राणी, आसपास जो हो रहा है उससे इन्फ्लुएंस होता ही होता है, अपनी विचारधाराएं डेवलप होती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, सुनी सुनाई बातें, बहुत इन्फ्लुएंसेस हैं। तो ऐसे में एक पत्रकार के लिए कितना मुश्किल या आसान है पत्रकारिता करना थ्रू दोज प्रोफेशनल एथिक्स जो कोड्स हैं? ये एक भ्रांति के तौर पर बताया गया कि पत्रकारिता का कोई एथिक्स होना चाहिए, और वो इस तरह से मतलब परकोलेट करा दिया गया विमर्श कि पत्रकारों को निष्पक्ष होना चाहिए, जैसे आपने भी कहा कि अनबायस्ड होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग निष्पक्ष नहीं हो सकता, हर किसी का अपना कोई ना कोई पक्ष होता है। माँ भी अपने बेटे को या बेटी में से दोनों में से थोड़ा टिल्टेड तो किसी और रहती है, जज भी हमेशा न्याय के पक्षधर होते हैं, न्याय के पक्ष में होते हैं, उनका बायस न्याय की ओर झुका होता है। ठीक है, न्याय क्या होता है, जो आपके देश का संविधान करता है, हो सकता है पाकिस्तान का संविधान उसके हिसाब से अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो वो अलग होगा, वहां न्याय प्रक्रिया अलग होगी। तो भारत का जज भी बायस्ड है, पत्रकार भी बायस्ड है, वो जनता के प्रति बायस्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, उसी प्रकार से मैं स्वीकार करता हूं कि मीडिया में भी, और जब मैं मीडिया बोलता हूं तो उसमें सिनेमा भी आ जाता है, उसमें .com भी आ जाता है, उसमें रेडियो भी आ जाता है, तो सब चीज आता है। वो मीडिया इज अ प्लूरल ऑफ मीडियम, तो कोई भी मीडियम जो उस हिसाब से चलता है तो उसमें गिरावट तो आ रही है, लेकिन वो गिरावट सोसाइटी की गिरावट है, उसको हमें थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और पत्रकार को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। मुश्किल पत्रकार को नहीं होती है करने में, अगर आप अपनी आइडियोलॉजी को लेके फर्म हैं और आप अपनी आइडियोलॉजी को लेके फ्लॉन्ट करना चाहते हैं और उसमें कोई बेईमानी नहीं करना चाहते, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हर समय एक ही स्टैंड लेना वो जरूरी होता है पत्रकार के लिए, कि आपने आप जैसे मैं मेरी जो आइडियोलॉजी मैं उसको फ्लॉन्ट करता हूँ कि ये मेरी आइडियोलॉजी है, मैं इस तरह से अपने काम करता हूँ, लेकिन जब मैं लेख लिख रहा होता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि संतुलित विचार अपने वहां रखे जाए, टिल्टेड रहता हूँ मैं अपने आइडियोलॉजी के प्रति। लेकिन समाचार में ऐसा नहीं करना चाहिए, समाचार सिर्फ ये होता है कि आपने जो घटित हो रहा है
उसको दिखाया, उसके बारे में आप मतलब जो घटित हुआ उसको आपने पेश कर दिया। आप विश्लेषण में जाएं, एनालिसिस में जाएं, तो आप अपने आइडियोलॉजी को उसमें मिला सकते हैं, उसके आधार पर उसको एनालाइज कर सकते हैं। पर समाचार में अगर कोई करता है तो मुझे लगता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा अनजस्ट हो जाता है, क्योंकि एक चलन आ गया था मीडिया ट्रायल का, कोई मर्डर केस है या कोई ऐसा बड़ा केस होता था, इवन पॉलिटिशियंस की या मीडिया ट्रायल हो जाती थी, वो कुछ मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगी शायद ज़्यादा टिल्टेड नहीं हो गया था उनका अप्रोच उससे। देखिए कोई मीडियम जब नया नया आता है तो उसमें थोड़ी बहुत उछल कूद विसंगतियां उसको सेटल होने में, आप जिसकी बात कर रहे हैं टेलीविजन की बात कर रहे हैं, और उस दौर में मैंने 15 साल टेलीविजन में ही काम किया। जब आरुषि तलवार का केस हुआ तब भी मैं टेलीविजन का हिस्सा था, जब डॉक्टर शशि थरूर का केस हुआ तब भी मैं, तो इस तरह जब सुशांत सिंह राजपूत का हुआ तब भी मैं टीवी में था। तो ये मीडिया ट्रायल होते हैं, लेकिन अब उसका एक अलग ही व्याकरण है, उसका व्याकरण टीआरपी से जुड़ता है, और टीआरपी के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा। मैं लगातार ये उदाहरण देता हूं कि टेलीविजन जब आप लोग खरीदते हैं, इसमें से किसी ने टेलीविजन खरीदते समय ये सोचा था कि हम बहुत गंभीर चीजें देखेंगे उस पर? सबने सोचा होगा कि मन नहीं लग रहा है तो एक टीवी ले आते हैं। तो अगर टीवी मन लगाने का माध्यम है तो ये बात तो जो टीवी चला रहे हैं न्यूज उनको भी मालूम है, वो न्यूज में भी मन लगाने का फुट डालते हैं ईशा जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया ट्रायल करते हैं लोग, हालांकि अब आपने कम देखा होगा क्योंकि वो 14 15 16 वर्ष की अवस्था थी टेलीविजन की, तो जब टीनएजर्स में होता है चाहे वो कोई मीडियम हो चाहे व्यक्ति हो तो वो थोड़ा उच्छृंखल हो जाता है, उस लिहाज से टीवी भी उस समय हो गया था। अब धीरे धीरे टीवी थोड़ा सटल हो गया है और अब वो राजनीति में ये काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। तो इसी सिलसिले में जो अगला सवाल मेरे मन में एकदम पॉप हुआ, सब न्यूज देखते हैं, अब न्यूज रूम का सेटअप सबको पता है, आजकल तो वैसे ही चुनाव का माहौल है, तो एक न्यूज रूम में डिबेट प्लेटफॉर्म होता है, उसमें सब लोग बोल रहे होते हैं, आपके भी मैंने बहुत ऑनलाइन अभी देखे हैं ऐसे, सब लोग लगे होते हैं अपनी अपनी बात बोलते हैं लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरी ऑफ़ फर्स्ट पे लग रही कि हम थोड़े टाइम बाद लगता है कि देख क्यों रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि जो न्यूज़ एंकर होता है वो भी शांत हो जाइए ऐसे ही लगा रहता है, पता कुछ नहीं, उसको भी नहीं पता कि वो क्या रहा है। तो ऐसे जो डिबेट्स होते हैं बहुत अहम मुद्दों पर होती है अक्सर, जो बर्निंग टॉपिक्स ऑफ द सिनेरियो है, तो उसमें क्या ऐसे डिस्कशंस का कोई क्या वजूद है, इनमें कोई ठोस कभी कोई निष्कर्ष निकला है, कोई कंक्लूसिव पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कोई कंक्लूजन उनका, या फिर जो है बाद में जैसे आप भी जाते हैं और ज्यादा यू नो दो पक्ष होते हैं उनमें खाइयाँ और ज्यादा गहरी हो जाती है, रंजिशें बढ़ जाती हैं बाद में, तो ऐसी डिबेट्स का क्या फायदा है, क्यों होती है ऐसी? इसके पीछे इकोनॉमी है, जो डिबेट्स होती है वो सबसे कम खर्चे में टेलीविजन चैनल को एक सॉफ्टवेयर एक घंटे का प्रदान करता है, वो कंटेंट जनरेशन। अगर आप शूट करेंगी एडिट करेंगी स्टोरी बनाएंगी 2 मिनट की तो उसमें बहुत खर्चा आता है ना, उस खर्चे से बचने के लिए टेलीविजन चैनलों ने एक रास्ता निकाला कि डिबेट करा लो। अब डिबेट में क्या हमारे जैसे लोग जाएंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारे जैसे लोगों को न बुला के वो ऐसे लोगों को भिड़ाने वालों को बुलाते हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है, हिंदू मुसलमान एक मुल्ला बैठाएंगे एक पंडित बैठाएंगे उनको भी पैसे नहीं देने पड़ते, प्लस एक जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाते हैं उस पर कभी देते हैं कुछ चैनल कुछ नहीं देते हैं, तो उनका खर्च बहुत कम हो जाता है इसमें। प्लस जब हिंदू मुसलमान की बात हीटअप होती है तो अचानक टीआरपी भी शूट करती है, लोग देखने वाले रुक जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूं, मैं उस समय आईबीएन 7 में काम करता था जो इन दिनों टीवी 18 हो गया है,
रविवार का दिन था, हम लोग एक कोई शो कर रहे थे राधे माँ पे। एक जमाने में आपको याद होगा कि राधे माँ बहुत पॉपुलर हो गई थी न्यूज चैनल पे। वो लिफ्ट से उतरती थी दुबई में, बेंटले कार में चलती थी, पता नहीं क्या क्या होता था। तो हम लोग भी चलाते थे, मैं भी चला था। उसी में एक बाबा थे जो बाद में बिग बॉस के घर में भी गए थे, दाढ़ी वाले बाबा, है ना। उस बाबा ने एक साध्वी को उठ के एक थप्पड़ मारा बहुत तेज। तो हमें कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, ऑन द लाइव शो में मारा, लाइव शो में। वो विजुअल है, वो यूट्यूब पर आप सर्च करेगी तो आपको मिल जाएगा। तो 15-20 मिनट हमें समझ नहीं आया कि करना क्या चाहिए। मैं ही फ्लोर पे था, मैं ही इंचार्ज था, मैंने शो बंद करा दिया, न्यूज चलवा दी। 20 मिनट के बाद मुझे लगा कि यार इसका तो फायदा उठाया जा सकता है, इसको क्यों ना हम बार बार थप्पड़ दिखाएं। लेकिन फिर एक बात थी कि इसमें तो दिक्कत है कि महिला पिट रही है। फिर हमने प्लेट बनवाई बड़ी तगड़ी, आईएनएम 7 इस घटना की पुरजोर निंदा करता है और किसी महिला पर इस तरह लाइव शो में आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। पट्टी चलाया, थप्पड़ दिखाया और उसके बाद साइलेंट में वो थप्पड़ लगातार विंडो पे बना रहा। और फोन लाइन पर हम बड़े पत्रकारों को, नेताओं को, बाबाओं को, मौलवी साहब को, इन सबको फोन लेके उस घटना की निंदा करवाते रहे। इसके पीछे उद्देश्य निंदा करवाना नहीं था, इसके पीछे उद्देश्य उस विजुअल को बार बार जनता को दिखाना था, क्योंकि वो बड़ा शॉकिंग विजुअल था और टेलीविजन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि लाइव शो में किसी महिला को किसी पुरुष ने थप्पड़ मारा था। तो उस दिन की हमारी टीआरपी सबसे ज्यादा रही थी और इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे चैनलों ने भी निंदा करना शुरू किया। हमारे विजुअल को उठा के उन्होंने कटती आईएन 7 देके चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा लगा कि पूरा टेलीविजन समाज जो इस घटना के खिलाफ है, लेकिन मंजरा कुछ और थी। चलिए अब हम थोड़ा रुक करते हैं बॉलीवुड की तरफ। टेलीविजन तो हमारे बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, न्यूज से हो जाता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट ऑफ सटल बॉलीवुड से चलते हैं। आपकी किताब मैंने पढ़ी, बॉलीवुड सेल्फी, बहुत सुंदर किताब है। आपने 50s, 60s, 70s के जो डेकेड्स थे उसमें ज्यादा वो वाले जो कलाकार हैं, फिल्म जगत से जुड़े जो लोग हैं, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स तो है ही हैं। तो आपने ये लिखा है किताब में, ये उस टाइम उनकी बहुत एक अहम भूमिका होती थी, क्योंकि कोई कोई फिल्म है जो जानी जाती थी कि इसमें तो एसडी बर्मन का संगीत है तो इसलिए हम पिक्चर देखने जा रहे हैं वो, या फिर इसमें साहिर लुधियानवी जी का योगदान है तो इसलिए हम देखने जा रहे हैं। लेकिन आज जो है बहुत सिनारियो चेंज हो गया है। जो आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री है, एक तो गाने म्यूजिक की बात करें तो आधे तो रीमेक्स ही होते हैं, वो क्रिएटिविटी नहीं दिखाई देती है। तो लेकिन मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ आपका इसमें जो रिस्पॉन्स है, पर आप उसमें क्या, जो आज की इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसमें आज का उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री का आपके हिसाब से? मालिक तो सच में नहीं बता पाऊंगा कौन है, लेकिन हाँ, एक रिच बॉय क्लब है जिसे बैंड्रा क्लब के नाम से भी जानते हैं। उस रिच बॉय क्लब के अध्यक्ष आप बताइए, माननीय करण जौहर जी हैं। नहीं, एक करण जौहर, एकता कपूर, इन सब चार पांच लोगों का एक ऐसा आपस में संबंध है, कॉकस कहना उचित नहीं होगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये लोग फिल्मों को एक तरीके से रूल करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी स्क्रीन मिलेगी, किसको कितनी रिलीज डेट्स मिलेगी, कौन फिल्म कब रिलीज होगी, ये रिच बॉय क्लब तय करता है। तो मुझे लगता है कि यही लोग तय करते हैं अब इनकी रुचि क्या है। लेकिन उस किताब के बारे में आपने चर्चा की तो और अच्छा बताया, आपका बहुत आभार। वो मेरी बहुत बचपने की किताब है, मैं बहुत चर्चा भी नहीं करना चाहता उस किताब पर, क्योंकि
उस समय मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म छोड़ के फिल्मों की ओर बढ़ा था और बहुत जल्दीबाजी थी कि मेरी कोई किताब आ जाए ताकि फिल्म में लोग मान लें कि फिल्म इसको आता है, तो इस लिहाज से वो किताब लिखी गई थी। लेकिन वो किताब बिकी बहुत, मुझे ये पता नहीं, या तो उसकी कीमत कम थी 150 रुपये, इस कारण किताब बहुत बिक गई, या लोगों को पता नहीं पता नहीं क्यों बिकी। लेकिन बॉलीवुड शायद एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसका कोई भी कुछ लिखेगा तो वो बिकता है। बॉलीवुड बिकता है, इसमें कोई शक नहीं। CCC बिकता है यहाँ, सिनेमा, क्रिकेट और क्राइम, ये तीन ही चीज पत्रकारिता में बिकती है और हमारा समाज भी। और क्राइम की न्यूज के सबसे बड़े कंज्यूमर या क्राइम के सीरियल्स के सबसे बड़ी कंज्यूमर हमारे देश की महिलाएं हैं। ये बात बताओ, मतलब मुझे मालूम नहीं, ये फैक्ट है, ये सर्वे हो चुका है कि क्राइम न्यूज या क्राइम वो CID और ये सब, इसलिए आप इनकी टाइमिंग देखेंगे दोपहर में आते हैं। क्राइम वाला कभी शो प्राइम टाइम में नहीं आता, दोपहर में जब महिलाएं सब कुछ से निश्चिंत हो जाती हैं, जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं काम मुझे, तो रिपीट भी वो दिन भर ही चलता है, शाम को गायब हो जाते हैं। तो जी मैं शायद ये ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आपने थोड़ा महिला शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि हिंदुस्तान की महिलाएं थोड़ी शोषित तो है ही है यहाँ पर, तो नहीं मैं बता रही हूँ उसका, शायद देख तो हम अपने को बचा रही है। अच्छा शायद स्ट्रेटजी ऐसे प्लान हो गई कि इसका, ईशा जी एक इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको, महिलाओं का एक फिल्म आई पुष्पा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ देखा होगा, कितने हाथ की आवाज निकली, काफी निकली। पुष्पा में इतने हाथ की आवाज निकलने के कारण ही एनिमल आई, 300 करोड़ बिजनेस किया था पुष्पा ने, एनिमल ने 600 करोड़ किया, और अब जो वो बना रहा है वो और रिग्रेसिव बनाएगा महिलाओं को लेके, और वो 900 करोड़ का बिजनेस करेगी, और महिलाएं भी समानुपातिक भाव से उसको देख रही हैं। पुरुषों का तो मुझे समझ में आता है कि पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाओं को पिटते हुए देखना चाहते हैं, मिसोजिनिस्टिक अप्रोच है उनका, लेकिन महिलाएं क्यों देख रही हैं इन फिल्मों को, ये मनोविज्ञान समझने की आवश्यकता है। और पता नहीं ये जो कौन जो इसका निर्माता है पुष्पा और इन लोगों का, ये समझ गए हैं तो, और बड़े बड़े लोग महिलाओं के रिग्रेशन को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, ये मुझे समझ, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक नया फेनोमेना है, और ये फेनोमेना सक्सेसफुल है। हर आदमी गाली दे रहा था एनिमल नहीं देखना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं यार, तो है ना, सब लोग आलोचना करते हैं लेकिन देखते हैं। जब 200 रुपए आप देते हैं किसी फिल्म को, मुझे लगता है फिल्म को जरूर देना चाहिए 200 रुपीज, लेकिन फिल्मों के चलन में लेके तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा पत्रकारों पर भरोसा करना चाहिए कि अगर वो लिख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ ये फिल्म है तो कभी कभी छोड़ देना चाहिए, इससे उनका मनोबल गिरेगा और इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देंगी। जो आप कह रहे हैं कि बहुत रिग्रेसिव कंटेंट आजकल दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा सबका एक, हम सब इंडियंस हैं, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत हम कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, अब पत्रकार हैं, चाहे अब तो यूट्यूबर्स भी आ गए हैं, पर ये यूट्यूबर्स पत्रकार नहीं है, नहीं, वो यूट्यूबर्स हैं, कैटेगरी जैसे हो गई, जो कंटेंट दे रहे हैं बेसिकली लोगों को देखने के लिए, फिल्में हैं, अपनी बात कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं लोग, तो इसमें ऑनलाइन तो बहुत ही है, OTT पर आते हैं थोड़ा, तो आपकी लेटेस्ट बुक भी OTT का माया जाल, तो जो OTT में है हम देखते हैं कि पहले जमाने में फिल्में जैसे फारुख खान की फिल्म थी 30 मार्खा, या मेघना देसाई की फिल्म थी संगम, उनका कंटेंट शायद अच्छा नहीं था बट शायद कोई महिलाएं पसंद कर रही थी कि वो फेमस हुई, हमें नहीं पता, क्रिटिकली दे वर नॉट वेल एक्लेम्ड। लेकिन अब जो है OTT पर ऐसा कंटेंट है जो बहुत रियलिस्टिक शायद
मेरी समझ में बहुत रियलिस्टिक है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपने बुक में भी लिखा है कि सेंसरशिप नहीं है, जैसे OTT पर नहीं है सेंसरशिप, YouTube या जिसको चैनल्स है, जैसे शायद मुझे नहीं पता अंदर की बात, लेकिन रवीश कुमार जी जो NDTV से जुदा होकर उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, वो बेखौफ बोलते हैं एक अपनी विचारधारा से अपने चैनल पे। तो ये जो सेंसरशिप है ये फिल्मों पे ही क्यों है, सिल्वर स्क्रीन पे ही क्यों है, ये यूट्यूब पे या अपने जो इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, ब्लॉग्स हैं या OTT, इन सब पे सेंसरशिप क्यों नहीं कर होती है और क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है कि फिल्म पर जो सर्टिफिकेशन का कानून है चलचित्र अधिनियम में, तो वो एक ही मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ मसला है, वो IMP मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई अमेंडमेंट करना होता है तो IMP कर लेती है। ये जो OTT या YouTube या इंटरनेट मीडिया का जो माध्यम है, इसमें दो तीन मंत्रालय जुड़ते हैं, इसमें IMP भी जुड़ता है, होम मिनिस्ट्री भी जुड़ती है और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, IT मिनिस्ट्री भी जुड़ती है। तो तीनों, ये एक पता नहीं कितने लोग ऐसा जानते हैं, गांव में गैर मजरूआ जमीन होती है, पता नहीं यहाँ किसी को पता नहीं है, जिस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है, और उस जमीन को लेके जो दबंग होते हैं वो उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, फिर जो दूसरा कोई दबंग अगर गांव में पैदा हो जाता है तो वो उसको वहां से विस्थापित करके उस पर कब्जा कर लेता है। तो OTT की स्थिति अभी उसी गैर मजरूआ जमीन की तरह है, जो दबंग आता है उस पर कब्जा कर लेता है, जैसे पहले सिगरेट गेम्स आया उसने कब्जा कर लिया, उसको दूसरे को लगा यार ये तो बहुत थोड़ा सा दिखा के सक्सेसफुल हो गया। करण जौहर साहब प्रकट हुए और उन्होंने लव स्टोरी बना दी, 5 स्टोरी दिखाई उन्होंने, ठीक है, उसमें क्या था इसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्व जगह सब लोगों को पता है। उससे भी आगे बढ़ते चले गए, कुछ लोगों को लगा हिंसा दिखाना चाहिए, कुछ लोगों को लगा अब मुंबई डायरीज, पता नहीं यहाँ बैठे लोगों ने कितने लोगों ने देखा है, लेकिन मुंबई डायरीज इतना जुगुप्साजनक है, इतना उसमें खून खराबा है, प्रेगनेंसी को लेकर और डिलीवरी को लेकर जो एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है उसको निर्माता ने इतना, मतलब क्या कहते हैं उसको, इतना विद्रूप बना दिया, इतना भयानक बना दिया है कि सिजीरियन बेबी को आप समझ लीजिए कि सिजीरियन बच्चे को माँ के गर्भ से निकालते हुए पूरा कैमरे पे दिखाया गया, टाइट क्लोज शॉट्स, खून से लथपथ बच्चा, माँ के पेट की हथेलियां, खून सनी हुई कपड़े, कॉटन, उसका नाभि नाल का काटा जाना, इट्स ऑल ऑन कैमरा। तो अब वहां होड़ लगी है ईशा जी कि हम क्या अनयूजुअल दिखा सकते हैं, चाहे वो सेक्सुअलिटी हो, सेंसुअलिटी हो, ये आप वायलेंस हो, लैंग्वेज हो, इतना एब्यूसिव लैंग्वेज है। अब अभी एक फिल्म आई चमकीला सिंह, आप उसको खोली और खोलते ही जो पुष्प वर्षा गालियों की होती है वहां, तो मतलब कोई देखना मुश्किल है। ये नहीं है कि गालियों की परंपरा हमारे समाज में नहीं है, पर वो थोड़े से थोड़ी सी मर्यादा और थोड़ा सा पर्दा तो परिवार में होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सब कुछ खुलेआम तो, लेकिन आजकल वो चर्चा हो रही है इलेक्शन की, चुनावी जो इलेक्शन का रिजल्ट तो मैंने सुना आउट हो चुका है, बस सीट कितनी आएगी ये बताओ। मैंने सुना है, बोला है। डिस्कशन अब चुनाव की भी कर लेते हैं, मौसम गर्म है चुनाव की हवाओं से। आपके यहाँ तो चुनाव हो के निकल लिया आपको लेफ्ट फेज में, आपके 19 को बोले थी। तो इसी पर एक जो क्वेश्चन है कि इस बार इलेक्शन में लोगों का बहुत कंफ्यूजन है, एक तरफ एक पार्टी है जिसको हम एलिवेट करते हैं कि ये परिवारवाद इन्फ्लुएंस्ड है, अवसरवाद है, या थोड़ी शायद कई सोच विचारधारा उनकी थोड़ी अलग है, मार्क्सिज्म इन्फ्लुएंस है या कुछ कुछ। एक तरफ एक पार्टी है जो कहते हैं कि जिसकी देश विदेश में भारत की भूमिका छवि बहुत बढ़िया सेट करी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो लोगों में बातचीत होती है, आप कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल वी कीप अराउंड, यस आई एम,
और कंफ्यूजन है कि किसको वोट करें, इतना कंफ्यूजन है कि मेनी पीपल आर ऑप्टिंग टू वोट आउट, कि हम वोट ही नहीं करते हैं, इधर कुआ है उधर खाई है। तो ऐसे में ये भी फैक्ट है कि दो पोलिंग के दो फेजेस हो चुके हैं, लो वोटर टर्नआउट बहुत लो रहा है, 50 से बिलो ही रहा है ऑन एवरेज देखें तो ऐसे में जो चुनावी नतीजा जो हमारा 4 जून को आएगा वो कितना सिग्निफिकेंट होगा, कितना क्या किसी पार्टी को फायदा, ये ऐसा लो वोटर टर्नआउट जो है वो किसी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, और जो सरकार बनेगी वो कितनी मजबूत सरकार बनेगी? मैम, ये लो वोटर टर्नआउट या हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग का कोई साइंस अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, गुजरात में 2012 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 72% मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 100+ सीटें मिली, ठीक है। अगले 5 साल बाद 2017 में गुजरात में 4% कम मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 68 पे, भारतीय जनता पार्टी को 99 और कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली। जब 2022 में चुनाव हुआ और 4% वोटिंग घट गई, वो 64 हो गया, 72 से 64 हो गया, और बीजेपी को अनप्रेसिडेंटेड सीटें मिली 156 और कांग्रेस को अनप्रेसिडेंटेड लो सीट मिली। तो इसका समझ ही नहीं आता कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, इनकम्बेंसी है, वोटरों को लग रहा है कि सरकार तो इनकी बन रही है, चाहे तुम वोट दो कि ना दो, ये पता नहीं, ये सिर्फ कयास है। और इन कयासों में जो आप टेलीविजन पर देखती हैं, हम जो सोचते हैं हम वही टीवी पर बोलते हैं, टीवी के विशेषज्ञों के पास अपना ही ज्ञान होता है, वो फील्ड में नहीं जाते, वो लोगों से बात नहीं करते, वो जो सोचते हैं वही धारणा को अवधारणा बनाकर लोगों के सामने दे देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जिस प्रकार की राजनीति देश में इस वक्त हो रही है, उसमें एक वाक्य आपने कहा कि एक पार्टी विश्व मंच पर भारत की बड़ी धूम है और दूसरे पार्टी थोड़ा मार्क्सिज्म की तरफ, तो ये तो जनता पता चुकी है कि मार्क्सिज्म उनकी उनकी पसंद है या देश का विकास, देश की थमन को उनकी छवि। एक जैसे टर्म है, एक सीरीज भी है लैला करके ओटीटी पर, उसमें लोगों में भय है कि डिस्टोपियन डिक्टेटरशिप की तरफ तो नहीं हम कहीं जा रहे हैं? मैम, भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई डिक्टेटर हिटलर भी आ जाएगा यहाँ तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस देश ने इंदिरा गांधी के डिक्टेटरशिप को सिर्फ 2.25 साल में खत्म कर दिया, जबकि वो उस वक्त वैश्विक मंच पर बांग्लादेश बनवाकर उनकी इतनी गाढ़ी और इतनी मजबूत नेता की छवि थी और इतना हेड स्ट्रॉन्ग बेटा उनका संजय गांधी था, जिसने पूरे देश में सबको जेल में बंद कर दिया। लेकिन राजनीति की तरफ न जाते हुए मैं ये कहता हूं कि अपने लोकतंत्र पर भरोसा रखिए, और हम लोगों को जो एक खुली हवा में सांस लेने की आदत हो गई, हम अब किसी हिटलर को, किसी मुसोलिनी को, अब आप बताइए, यहाँ सब लोग बैठे हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि देश में फासिज्म आ गया है, जैसे मैं सुनता हूँ, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की मैं सुनता रहता हूँ कि पत्रकारिता चौराहे पे खड़ी है, वो भ्रम का शिकार है, उसे किधर जाना है पता नहीं है, वो अभी तक चौराहे पे ही खड़ी है 25-26 साल से। उसी तरह भारत की राजनीति में फासिज्म के आगमन की आहट हम लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन इस देश में फासिज्म नहीं आ सकता, ये गांधी का देश है और गांधी हमारे समाज में, हमारे मन मस्तिष्क में इतने अंदर तक बैठे हुए हैं कि आप देखो, मैं तो अभी एक किताब में कोशिश कर रहा हूं कि लिख दूं कि इंडियन फिल्म जितनी भी बन रही है दो ही थीम पे बन रही है। एक राज कपूर कहते थे कि इंडियन फिल्मों की स्टोरी है राम थे सीता थी रावण आ गया, ये स्टोरी है, एक हीरो था एक हीरोइन थी एक विलेन आ गया, इसी को आप जिस तरह से कहना चाहो कह दो। आप याद करिए शोले फिल्म किस तरह से रामायण से प्रभावित है, राक्षस हैं, विश्वामित्र
दशरथ के पास जाते हैं कि अपने दो बेटों को मुझे दे दो, राक्षस मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। आप ट्रीटमेंट बदल सकते हो, पर आपकी कहानी जो है, इसलिए राजगोपालाचारी कहते थे कि इंडिया में दो ही भाषा चलती है, रामायण और महाभारत की। उसी तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस की बहुत सारी फिल्मों को आप देखेंगे तो गांधी जी किसी न किसी रूप में अपने सिद्धांतों के रूप में, अपने उसके रूप में मौजूद हैं, और अगर कहीं नहीं मौजूद हैं तो थाने में तस्वीर में जरूर थानेदार के पीछे टके हुए हैं। अब थोड़ा समय कम है तो मैं आखिरी सवाल जो मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही लेकिन मुझे पूछना ही है, आप 2.5 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने बहुत सरकारें गिरती उठती देखी हैं, एक भाजपा थी वाजपेयी जी की, एक भाजपा है मोदी जी की, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सी मैं बेटर पर्स नहीं कहूंगी बट क्या अंतर है दोनों भाजपाओं में? समय का अंतर है, एक कांग्रेस इंदिरा गांधी की थी, एक कांग्रेस राजीव गांधी की थी और एक कांग्रेस राहुल जी की थी। वैसे ही एक जनसंघ बलराज माधव जी का था, उसके बाद अटल जी के समय भारतीय जनता पार्टी आई, अब नरेंद्र मोदी। आप सिर्फ याद करिए, इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। 92, 93, 95, 99, 2004 तक लोग कहते थे आडवाणी बहुत बड़े हार्ड लाइनर है, कहते थे ना हिंदुत्व के आइकन है, किसी की नहीं सुनती, लौह पुरुष है, जब वो होम मिनिस्टर थे। आज आडवाणी जी को लोग क्या कहते हैं, यार बड़े सॉफ्ट है। मोदी जो है ना बहुत हार्ड लाइनर है ना। अब थोड़े दिनों बाद या तो अमित शाह हार्ड लाइनर हो जाएंगे, मोदी बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, या योगी जी हो जाएंगे। तो ये जो एक परिवर्तन चलता रहता था वो दरअसल वो समय की मांग है। इसलिए ये नहीं आप कह सकते आपने बहुत अच्छा किया, ये नहीं पूछा कि कौन अच्छे कौन बुरे। इसलिए क्या होता है कि समय तय कर देता है कि आपको, किसी जमाने में अमिताभ बच्चन को पसंद करते थे, 80-90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने लाल जादूगर, लाल बादशाह, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी घटिया फिल्में की कि कयामत से कयामत तक, और रोमांटिक फिल्मों का दौर लौट आया। अमिताभ बच्चन को यह समझ में आया, फिर वो इंकलाब से अपनी लीग पे लौट आया तो फिर उनका दौर चलाया। तो ये सारी चीजें समाज में चलती रहती हैं, ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम अब कल को अगर योगी को वोट मिल गया मान लीजिए, या अमित शाह जी को वोट मिल गया, तो मोदी जी तो उनके सामने बेचारे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी छवि वाले नजर आएंगे। मोदी जी का स्वागत कभी बुलडोजर से तो हुआ नहीं है, इंतजार रहेगा उसका भी। तो सवाल तो बहुत है लेकिन समय थोड़ा इजाजत कम दे रहा है, तो बिफोर दैट वी हैव द Q&A फ्रॉम ऑडियंस। हेलो जी, आपसे बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना, थोड़ा सा अच्छा लगता। तो मैं केवल एक बात पूछना चाहता कि आप हिंदी साहित्य से मूलतः आप उसी से रिलेटेड हैं और आप लिखती रहे, क्या हमें पुस्तकालय चलाने चाहिए या बंद कर देने चाहिए? सर, पुस्तकालय बिल्कुल चलाने चाहिए, और हमारे बहुत सारे लेखों में इसकी वकालत के बाद भारत सरकार पहली बार पुस्तकालय नीति लेकर आ रही है, जिसमें हर गांव और देश में, हर गांव और ब्लॉक स्तर पर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, और उसका एक नेशनल हब होगा जिसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़े जाने की योजना, उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये सरकारी बात अलग है, हमें अपने स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना करनी चाहिए और नए लोगों को उसमें जोड़ना चाहिए। मैं 2 पुस्तकालय अपनी सोसाइटी में बनवा चुका हूँ, और कहीं भी देश में अगर पुस्तकालय खुलता और लोग आगे चलाते हैं तो मैं अपनी तरफ से पहली बार 100 पुस्तक देने का वादा करता हूं। अगर आप मसूरी में पुस्तकालय चलाना चाहते हैं, मैं अगर मतलब नया कुछ करना चाहते हैं, क्षमा करिएगा मुझे मालूम नहीं, तो मैं 100 पुस्तकें आपको अपने खर्चे पर भेजने का आश्वासन देता हूँ। म्यूजियम के रूप में हो गए हैं, इनमें पाठक नहीं आते, तो पाठकों को लाने के लिए
आप क्या समझते हैं कि हमारी तरफ से कहां ये प्रयास जो है हम लैक कर रहे हैं कि हम उस दोनों लाइब्रेरीज मुस्लिम में मेंटेन हो रही है लेकिन लीडर नहीं है? मुझे लगता है कि पाठकों को पुस्तकालय तक लाने के, और बहुत सारे पुस्तकालय जो दिल्ली और उसके आसपास मैं देखता हूं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट को बैठ के पढ़ने की जगह हो गई है सर। हम भी वो करते हैं, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, माउथ पब्लिसिटी से अपने बच्चों को पुस्तकालय भेजने का प्रयास आरंभ करना चाहिए, तभी होगा। कोई एक पुस्तकालय का व्यक्ति या कोई आप जैसा व्यक्ति, एक पुस्तकालय से संबद्ध व्यक्ति लोगों को खींच के नहीं ला सकता। जब हम अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे कि तुम्हें पुस्तकालय में जाना चाहिए, तुम हो, कल भी मैंने यही कहा, और मोबाइल के प्रति मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तकनीक से कोई ये नहीं है, लेकिन पुस्तकालय भेजने के लिए और पुस्तकों के प्रति प्रेम जगाने का दायित्व जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से माता पिता का है। जब तक माता पिता अपने बच्चों को इस लिहाज से डूब नहीं करेंगे कि आपको पुस्तकालय में जाना है, आपके यहाँ इतनी रिच लाइब्रेरी है, जो मैंने सुना है, मैं कल देखूंगा उसको, इतना समृद्ध पुस्तकालय बहुत कम जगह है। मैं शिमला गया, वहां भी पुस्तकालय मिला मुझे। मैं जिस शहर से रहता हूँ, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह स्मृति संग्रहालय और पुस्तकालय है, वहां सरकार की इतनी उदासीनता है कि एक व्यक्ति है उस पुस्तकालय में। मैंने पूछा साफ सफाई क्यों नहीं होती, पुस्तक इशू क्यों नहीं होता, वो बोला कि मैं दरवाजा खोल लूं यही बहुत है सर, और रोज बंद कर लूं यही बहुत है। साफ सफाई में नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकारी स्तर पर एक नेशनल कल्चरल पॉलिसी बनाई जाए। जब तक राष्ट्रीय संस्कृति नीति नहीं बनेगी इस देश में, तब तक संस्कृति के प्रश्न इसी तरह उपेक्षित और अनुत्तरित रहेंगे। राष्ट्रीय संस्कृति नीति बनना समय की मांग है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सरकार इस बार आएगी वो संस्कृति नीति बनाएगी, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, कल तक वो मध्य निषेध का काम देख रहे होते हैं, कल तक वो आबकारी विभाग के चीफ सेक्रेटरी मतलब कमिश्नर होते हैं, और अगले दिन वो शिक्षा के हो जाते हैं, उसके अगले दिन वो संगीत के हो जाते हैं। अब संगीत में उनको पता ही नहीं है कि सुब्बुलक्ष्मी कौन है और सोनल मान सिंह कौन है, उनकी संवेदना ही नहीं हो सकती पुस्तक के प्रति। वो तो उसको भी शराब की उसी बोतल की तरह ट्रीट करेंगे, कार्टन की तरह संस्कृति को भी, जैसे वो मध्य निषेध विभाग में करते थे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक ऑल इंडिया कैडर कल्चर का हो, और उसके लिए आवश्यक है कि आप नेशनल कल्चर पॉलिसी आए, और सारी दुनिया में कल्चरल पॉलिसीज हैं, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन इस दिशा में काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किया है इसका, देखते हैं, होना चाहिए। अभी आजादी के 70-75 साल ही हुए हैं, तो हो सकता है 100 वर्ष होते होते हम लोग भी एक राष्ट्रीय संस्कृति नीति के साथ पुस्तकालय, लेकिन पुस्तकालय अवश्य होने चाहिए हर शहर में, और किसी भी कीमत तक पर पुस्तकालय होने चाहिए, और जितने प्रबुद्ध लोग हैं सबको कम से कम अपना 1 घंटा पुस्तकालय में बिताना चाहिए, तभी दूसरे लोग प्रेरित होंगे कि अच्छा फलाने साल पुस्तकालय जाते हैं तो हम भी चलते हैं, मेरा ऐसा मानना है। भारत में हमारा कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, अनंत जी नहीं मानेंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट से वो है, उसमें हम लोग हर चीज नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा मैं ये कुछ कहना चाहूंगी कि हमारे सीरियल्स भी तो बहुत एग्रेसिव हैं, और हम बीइंग अ वुमन आई लव वाचिंग क्राइम पेट्रोल, और उसमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता क्या रहता है, और ये एग्रेसिव सीरियल देखे, थैंक गॉड हम ऐसे नहीं है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आमतौर पे आप कहेंगे कि 40 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, ये आंकड़े के लिहाज से हम ये बात मान सकते हैं, लेकिन है क्या कि आज जो मैं या तो नई शिक्षा नीति आती है जिसमें कि जो मूल भाषा उसको प्रमोट किया जाएगा कि भाई इस क्लास तक कम से कम बच्चों को हिंदी पढ़ानी, जो हिंदी मैंने मैन एकांत से उस ज़माने में पढ़ी है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुझे तब के 10वीं के पढ़े हुए याद हैं, मैं बड़े चैलेंज से कह सकता हूँ मेरे आसपास के किसी बच्चे को याद नहीं, इवन हिंदी स्कूल के बच्चों को, मैं मसूरी गर्ल्स सनातन धर्म जो हिंदी स्कूल के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे, मैंने एक बच्चे को कभी कुछ दिन पहले रोक के पूछा कि भाई जरा 3 कवियों के नाम बता दो, 2 लेखकों के नाम बता दो,
ग्यारहवीं क्लास का ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा नहीं बता पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम और अब दूसरा जो पुस्तक पढ़ना और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मसला है उसमें क्या हो रहा है कि हमने एक लेवल की हिंदी पढ़ी, फिर ऑब्वियसली ये सब कंटेमिनेट होगी हमारी हिंदी में, अंग्रेजी अंग्रेजी मिक्सअप होगी, जैसे समाज चला वैसे हम भी चल दिए। आज जब मैं भाषा पढ़ने का प्रयास करता हूँ, मैंने वापस खोला, कुछ निराला पढ़ने का प्रयास किया या कुछ कुछ भी और कर्मभूमि पढ़ने की कोशिश करी, कर्मभूमि तो चलो आसान हिंदी है, जयशंकर प्रसाद पढ़ने की कोशिश करी, हिमगिरी के उत्तंग शिखर से, मैं उत्तंग पे अटक गया, बिकॉज फिर उसका वर्ड का मीनिंग कहाँ ढूंढूं, क्योंकि आज तक ये उदासीनता हमारी रही है, एक प्रॉपर शब्दकोश हिंदी का नहीं है। अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड भी बनाता है और दुनिया जहान के लोग बनाते हैं, प्रॉपर शब्दकोश। मेरे एक बहुत हमारे मेरे एक फ्रेंड के पापा हुआ करते थे, वो हिंदी स्कूल होता था आगरा में, उसके चीफ होते थे उस जमाने में छोटे घर, तो वो बताते थे कि हिंदी के पुस्तकालय उतना मोटा पुस्तकालय हुआ करते थे, पुस्तक सारी शब्दकोश इतना मोटा। तो मैंने कहा कल इसको हमें तो आदत पड़ी थी ए के साथ ए ए होगा फिर ए बी होगा तो साथ जुड़ेंगे, हिंदी में शब्द जुड़ने कैसे। चलो वो समय भी चला गया। आज का जो समय आ गया, जब मैं नई कोई आपकी किताब उठाने की पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ किंडल बेटर है, बिकॉज मैं वापस जब मैं उसको प्रेस करूँगा मुझे मीनिंग दे देगा। वो तो मेरी परिस्थिति है जो मैं मैमी कान से हिंदी पढ़ा रहा हूँ। अब जो आज के बच्चे हैं जो पूर्ण शब्द ही नहीं समझ पाते हैं वो तो नहीं पढ़ेंगे जितना मुझे नज़र आता है। अब आगे बात की हिंदी भाषी OTT पे क्या चल रहा है या हिंदी भाषी सिनेमा में क्या चल रहा है, वो भी सब कुछ रिग्रेसिव और नेगेटिव ही है। जो हिंदी का प्रयोग मे बी दलित कुमार साहब के समय या उस जमाने में जिस हिंदी भाषा में जो धर्मेंद्र जो हिंदी में डायलॉग बोलते थे, आज जो सनी देओल बोलते हैं या जो उनके भी बेटे बोलने लगे, वो डायलॉग तो खत्म हो गया, सारा कुछ मिक्सअप हो गया। तो मुझे जो आप कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अच्छा फ्यूचर लगा नजर आता है हिंदी भाषा का बोलने में और मिश्रित भाषा में, हो सकता है, पर एक्चुअली पढ़ने में तब तक नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है जब तक शिक्षा नीति में मूलभूत बदलाव नहीं किए। हमारे बच्चे वर्णमाला नहीं सुना पाते। शिक्षा नीति 2020 में इन सारे सवालों को एड्रेस किया गया है और वहाँ भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है शिक्षा में, और ये सिर्फ प्राथमिक तक ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में भी भारतीय भाषाओं में ही पढ़ाई होगी, और IIT BHU और मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में ऐसे की पुस्तकें भी आ गई हैं जो फर्स्ट ईयर में उनको हिंदी में या तमिल में पढ़ाई हो रही है। तो अभी आंशिक रूप से वो लागू हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो भविष्य में मुझे लगता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम याद है, आपको उनकी कविताएं याद है, आप जयशंकर प्रसाद इतने हिंदी को छोड़ने और कंटामिनेट होने के बाद भी आज 2024 में खड़े होकर बैठकर उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा आपको याद है, क्यों? क्योंकि आपके अभिभावकों ने आपको संस्कारित किया। क्या आपने कभी ये प्रयास किया? मैं आप नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी जनरेशन को कह रहा हूं। अब तो हम इस बात से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, वो बेटा स्पून बोल दिया, वो चम्मच नहीं स्पून बोल रहा है तो मम्मी खुश होती है, है ना? बेटा ईट कर लो, मैंने ऐसे लोगों को भी सुना बोलते हो। बेटा हैंड पकड़ लो, है ना, हेयर ठीक कर लो। अरे भाई, जब तक आप अपनी भाषा पर खुद 75 साल हो गए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है 75 साल बाद कि गुलामी के निशान मिटाओ, गुलामी के निशान मिटाओ, और ये सब कॉलोनियल माइंडसेट ही है हमारा। जो ये कॉलोनियल माइंडसेट है उसमें जो भारत की आजादी के बाद भाषा को लेकर बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, 15 वर्ष तक अंग्रेजी को अगर न दिया गया होता, आजादी के तुरंत बाद की अंग्रेजी भी राष्ट्रीय भाषा होगी, राजकाज की भाषा होगी और हिंदी भी होगी, तो मुझे लगता, और 65 में भी अगर चलो 15 साल का ग्रेस पीरियड दिया था तो 65 में भी उसको लागू कर देना चाहिए था। वो भाषा नीति हमारी लागू नहीं हुई, लिहाजा अंग्रेजी का वर्चस्व आगे चलता चला गया। आज मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, सत्य घटनाओं पर आधारित है। अमित शाह हिंदी नहीं जानते हैं उतनी, गुजराती हैं। गृह मंत्रालय में जो भी अफसर उनके पास जाता है उनको वो कहते हैं कि भैया हमको अंग्रेजी नहीं आती है यार, हिंदी में फाइल पे नोटिंग ले आओ।
और सर आज हालात ये है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक गृह मंत्रालय में सारा कामकाज हिंदी में हो रहा है, तो नेतृत्व को भी पहल करनी पड़ेगी। आप अगर अंग्रेजी में हर मंच पे बोलोगे, आप अगर अंग्रेजी पर हर काम करोगे, तो देखिए सत्ता की जो भाषा होती है जनता वही भाषा अपनाती है। एक जमाने में हमारे देश में सत्ता की भाषा पर्सियन और उर्दू थी, हमारे देश में पर्सियन और उर्दू ही चलती रही। पर्सियन को भारत की अदालत की भाषा, अभी भी आप अगर वो कुछ कराने जाइए अदालत में जो बनता है उसका, मुझे लगता नहीं है कि कोई समझता है उसको, जिस भाषा में वो लिखा जाता है बैनामा और ये सब, बस दस्तखत कर देते हैं। वकील साहब देख लिया ना आपने, तो आप ये आपको नाजिर हाजिर मानकर मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो समझ नाजिर हाजिर क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन क्या है कि सत्ता की भाषा को जनता अपनाती है। तो इस वक्त पिछले 10 वर्षों से मुझे लगता है कि सत्ता की भाषा हिंदी है, इसलिए भी मैं थोड़ा आशान्वित हूँ हिंदी को लेकर। लेकिन यहाँ फिर अगेन, जब तक माँ बाप हिंदी को लेकर नहीं करेंगे, और दूसरा जो प्रकाशन गृह है उनकी भी कुछ समस्याएं, आपके समय में चंदन बाल भारती, चंदा मामा, पराग, सुमन सौरभ, इतनी सारे ऑप्शंस हम लोगों के पास होते हैं। तो कार्टून में भी चंपा कंपा का था, पिंकी चंपा। आज के बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो ट्विंकल विंकल पता नहीं क्या क्या आता है, ट्विंकल पता नहीं क्या होता है, वो सब एक पेपर पेग आता है, उसके बिना बच्चे उठते नहीं है, ब्रश नहीं करते। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं सर, एक मतलब भारत जकड़ा हुआ है समस्याओं में, भाषिक समस्याओं में हमारा देश पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। आप यूएस का उदाहरण ले लो, इंग्लैंड का उदाहरण ले लो, एक अंग्रेजी में काम करता है। हमारे यहाँ तो आप देखो कि आप ही यहाँ गढ़वाली और कुमाऊँ अलग अलग हो जाए, है ना। तो मतलब यहाँ तो हम कहते हैं कि एक चार कोस पर पानी बदले पांच कोस पर वानी, कुछ ऐसा एक कहावत है। तो इतनी बहुभाषी है, 22 लैंग्वेज तो संविधान की 8वीं अनुसूची में, पर इसका दोष किसको जाता है? नहीं, दोष नहीं जाता, ये अच्छी बात है ना, ये बहुलता जो है ना हमारी, यही तो ताकत है हमारी कि हम अलग अलग। लेकिन क्या हुआ कि इस भाषाई बहुलता को ताकत बनाने की बजाय हमने इसको बांटने का औजार बना लिया कि तुम तमिल हो तो तुम हिंदी से नफरत करोगे, तुम हिंदी वाले हो तो तुम मलयालम से नफरत करोगे, तुम नॉर्थ ईस्ट की भाषा को भाषा ही नहीं मानोगे, कहोगे कि ये तो जंगलियों की भाषा है। आज संताली में इतना अच्छा लिखा जा रहा है, तो अपनी भाषा में कौन, दिनकर जी या किसी ने कहा था कि किसी भी सोए हुए व्यक्ति पर पानी डाल दो, उसके मुंह से जो आवाज निकलेगी तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी असली भाषा क्या है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पॉलिटिक्स साइड से है। आजकल देश में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में हो रहा है, पॉलिटिक्स में हो रहा है, और आपकी पकड़ पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छी है। मेरा क्वेश्चन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने भी अभी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का कोई चांस नहीं है, इलेक्शन नहीं कहा भी, ये मैंने नहीं कहा सर, कॉन्स्टिट्यूशन पर तो कोई बात नहीं की, फैसिज्म पे हुआ था, फैसिज्म कॉन्स्टिट्यूशन पे आपने थोड़ा सा लास्ट में कमेंट किया था। इलेक्शन में एक ग्रुप है, धड़ा कह रहे हैं, ग्रुप कह रहे हैं, वो दूसरे ग्रुप को एलिगेट करता है कि अगर ये लोग शासन में आ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। ऑन द अदर साइड दूसरा ग्रुप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जाएगा। इसको छोड़िए, कुछ लोग अब भी ऐसे हैं और वो कोई आम आदमी नहीं है, और वो क्या प्लेटफार्म इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी हम सबको पता है। ड्यूरिंग इलेक्शन में वो ये ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप हमें इतनी सीट दीजिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, इसके बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने ये लिखा हुआ है कि चूंकि इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं और राजनीति बहुत चरम पर है, इसलिए हम अपने कार्यक्रम को जून तक के लिए स्थगित कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे जैसे लोग जिनका कमिटमेंट पहले का था, वो अगर राजनीति पर बात करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आयोजकों की जो मंशा है उसके खिलाफ हम चले जाएंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, संविधान बदलेगा नहीं, और वैसे भी जिसको जब मन हुआ इस देश में
संविधान का पन्ना फाड़ के फेंका ही है, चाहे वो साहबानों का केस हो, चाहे और कोई भी केस हो, चाहे संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट उसकी प्रस्तावना में जोड़ने का प्रश्न हो, तो 125 से ज्यादा संशोधन इस संविधान में हो चुके हैं। मैंने अभी पहले संविधान संशोधन की बात की, पहले संविधान संशोधन का इतिहास बहुत रोचक है। मेरे मित्र त्रिपुर दमन सिंह की एक किताब है 216 डेज, वो क्यों लियाकत नेहरू समझौता को बचाने के लिए वो किया गया था, उन्होंने पूरा वो किया है। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, संविधान बदल के भी संविधान की मूल आत्मा को इस देश में कोई नहीं बदल सकता। अब हम जैसे एआई की तरफ धीरे धीरे सब बढ़ रहे हैं, एक कुछ उदाहरण, क्योंकि आप प्रेस से भी हैं, आप लेखक भी हैं, कुछ उदाहरण हैं, जैसे न्यूज़ रीडर ऑफ एआई न्यूज़ रीडर हैं, स्कूलों में टीचर ऑफ एआई हो गए हैं, और कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिसमें आप सिर्फ अपना टॉपिक डालिए एंड यू विल हैव अ फुल बुक, आप 15-20 मिनट में पूरी की पूरी किताब उस पे आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें आपका टेक, आपका क्या कहना है उसमें? एआई की हिंदी क्या है अगर आप बताएं, हिंदी तो मैं बताता हूँ, उससे तो आपके प्रश्न का उत्तर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वो बुद्धिमत्ता कृत्रिम है। आप ही ने अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया कि आप जो भी फीड करेंगे 10-15 मिनट में वो बता देगा। तो एआई जो है, एआई से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप इनपुट दोगे या जैसा उसके पास इनपुट उपलब्ध रहेगा वैसा ही आउटपुट वो देगा। उसको भी हमारे आपके जैसे लोग ही चलाएंगे, उसमें वो इमोशंस नहीं पैदा कर सकता है। आप जिस एंकर की बात कर रहे हो उसको मैं भी बहुत गंभीरता से देखता हूं, लाइव में भी और जब उसका वो आता है एआई फॉर्म में भी, तो उसके चेहरे पर जो भाव परिवर्तित होते हैं लाइव में, कभी गुस्सा आना, कभी हंसना, कभी तंज करना, ये सब अगर आप एआई के एंकर में देखोगे तो आपको नहीं दिखाई जाएगा, और आप यू कैन फाइंड आउट कि डिफरेंस क्या है दोनों। और जहां तक टेक की बात आप पूछ रहे हो, तो मैंने तो वो दौर भी देखा है जब इस देश में कंप्यूटर आ रहा था और लोगों ने कहा था कंप्यूटर आ गया सबकी नौकरियां चली जाएंगी। एक चुनाव भी इस पे हो गया सर, एक राज्य का चुनाव भी कंप्यूटर के बहिष्कार पे हो गया। आज कंप्यूटर की वजह से कितनी नौकरियां हमारे सामने, कितना विकास हो गया हमारे टेक्नोलॉजी का, कितना काम आसान हो गया हमारा। आप याद करिए, रेलवे का रिजर्वेशन कराने जाते थे तो रजिस्टर लिए बैठा रहता था, जिसके नाम होता था उसकी मर्जी, वो जो 500 रुपए देता उसके नाम लिख के रिजर्व कर देता था। आज बहुत सहूलियत हुई, तो एआई हमारे लिए बहुत सहूलियतें लेके आ रहा है और उसका उपयोग भी हम ही कर रहे हैं। हम जैसा चाह रहे हैं एआई वैसा ही करेगा। वो कोई ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है कि आदमी का उस पर वश नहीं है, जैसी प्रोग्रामिंग होगी वो वैसा ही काम करेगा। इसलिए उसमें कोई इससे डरने की बात नहीं है, बल्कि लेखन के क्षेत्र में और भी चुनौती पूर्वक अब जो हमारे जैसे लेखक है उनकी कीमत और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी किताबों में एआई द्वारा लिखी किताबों में इमोशंस बिल्कुल नहीं। अब कोई सूरज का सातवां घोड़ा या गुनाहों का देवता जैसी प्रेम कहानी नहीं लिख पाएगा, एआई नहीं लिख पाएगा, लिखेगा कोई व्यक्ति। तो इसलिए मुझे लगता है कि एआई का प्रभाव अच्छा पड़ेगा, काम जल्दी होंगे, एडिटिंग जल्दी हो जाया करेगा, पब्लिशिंग जल्दी हो जाया करेगी, जिस प्रकार से सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। मुझे तो याद है कि जब मैंने अपनी पहली किताब की पांडुलिपि तैयार की थी तो मुझे कितनी बार फेयर करना पड़ा था, पन्ने के पन्ने बदलने पड़ते थे और टाइप करा के फिर मैंने प्रकाशक को दिया था, वो रेमिंगटन पर ऐसे ठकाठक टाइप करके। एडिट करने में इतनी परेशानी होती थी और आज कितना आसान हो गया। जब मतलब छपते छपते किताब के जाते जाते बदलाव कर सकते हो और कोई क्यों नहीं बोलेगा, उस समय प्रकाशक को अगर एक पन्ना बदलाव कर देते थे, या अखबार में जब मैं काम करता था पहली पारी में, तो उसमें भी अगर एक अक्षर बदलना होता था तो पूरा पूरी फिल्म बर्बाद होती थी और फोरमैन से और हमारे सीनियर से इतनी डांट लगती थी। तो अब बहुत बदल गया। अब अखबार में क्या होता है, छपते छपते बदल लो, मशीन पे बदल लो,
ये सब सहूलियतें दी है। तो एआई को लेके मैं तो निश्चिंत हूँ और आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि निश्चिंत रहिए, ये अच्छे के लिए आ रहा है। अब मैं श्री एकांत मैम जी को अनुरोध करना चाहूंगा, जो हमारी इंदिरा की अध्यापिका रह चुकी है हमारे स्कूल की, स्पेशली मेरी एंड आई बिलीव कि हमारे जो बैठे हुए साथ साथ के लोग हैं उनमें से भी नहीं है, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वह लेखक अनंत विजय जी को बंगाल के ढोकरा हस्तशिल्प से तैयार स्मृति चिन्ह से सम्मानित करने के लिए आगे आए। हमारी मसूरी की जनता का सवाल तेरे घर में ठीक ठाक रहेंगे सर। प्रभात यथार्थ फाउंडेशन और एहसास वुमेन मसूरी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का सभी ने लुत्फ उठाया, इसके लिए मैं अंकित वैश तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। खासकर हमारे आज के अतिथि अनंत विजय जी और उनसे बातचीत कर इस शाम को यादगार बना देने वाली ईशा गुप्ता वैश जी का, कार्यक्रम के प्रायोजक श्री सिमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके CSR इनिशिएटिव के तहत ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आभार व्यक्त करता हूँ मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण बताथा हिलक्विंग का, इन सभी के प्रयास से ये कार्यक्रम पूरी गरिमा के साथ संपन्न हुआ। आप सभी का भी आभार, आप सभी की उपस्थिति में हमारा उत्साह बढ़ाया। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आगे आए और अनंत जी की पुस्तक की अपनी प्रति के लेके उनसे साइन करवाएं। चल